हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मधु सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मधु फिल्मी तड़का। और आज मैं सॉन्ग लेकर आई हूँ एडी रॉक का। और इस सॉन्ग में जो है एडी रॉक ने यंग गालिब को डिस किया है। जिस तरह से इसके टाइटल पे लिखा है छोटा बंटाई डिस टू यंग गालिब और एडी रॉक प्रोड बाय स्टार सिंह। तो चलिए देखते हैं इस सॉन्ग में क्या कुछ लेकर आए एडी रॉक। तो जिस तरह से इसका टाइटल का नेम है छोटा बंटा है, तो यहाँ पर जैसे कि यंग गालिब ने अपने टाइटल नेम अलग रखे थे, वो भी जिस तरह से उन्होंने डिस्ट्रैक्ट निकाले थे, और यहाँ पर ये एडी रॉक डिस्ट्रैक्ट लेकर आए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है एक्साइटमेंट है कि इस सॉन्ग में क्या कुछ ऐसा होगा, क्योंकि मैंने इनके एक सॉन्ग पर रिएक्शन दिया था जो कि एक डिस ट्रैक और था, वो शायद हैलक पे था, तो वो ट्रैक भी काफ़ी अच्छा था। तो चलिए पहले ये सॉन्ग देख लेते हैं कि इस सॉन्ग में क्या कुछ लेकर आए एडी रॉक। तो वीडियो शुरू करते हैं। घिसते घास लड़ने का बीफ आया सैतान ये भागेंगे सीख, गाने नहीं चल रहे तो मुंबई के फड़बे दिल्ली में कॉल करके खेलेंगे बीफ, यूपी का लौंडा मैं बचपन से ढीक मारूंगा लोड़े से फटेगा ठीक, एडी के सामने इनकी मिसाल क्या लौड़े पे लटक के मांगेंगे भीख, जैसी हिप हॉप जंग का मैदान तो मैं चंगेज खान, एडी से एडे तालीमों की चूत तो जाओ पाकिस्तान, जैसी हिप हॉप को टुकड़ों में बांट रहे रैपर ये जान सम्मान, ये दिल्ली और मुंबई में अटके हैं मेरे अंदर पूरा हिंदुस्तान, जब एडी ने हलक की ली थी तो डिस्क के राजा भी बाहर नहीं दिखे थे, मैं डरता नहीं लौड़ा भी किससे बिना लेबल किसकी चाट की आया नहीं, मैं लौड़े लगा देता सातों के साथ एक साथ नहीं दिखे थे, जान छूटे गिरी थोड़ा कम कर दमे तेरी गांड में तो खड़े रहना जम कर, तेरी गांड मारू सारे आम तेरे हुड में, तू तेरा गैंग तेरा हुड मेरे लंड पर, ऑफर में लाया दिवाली का दम पर, लौड़ा लो मुंह में या कूदो मेरे लंड पर, फोकट में क्या छोटे लेबल का बंदर है लकी ले ले मैंने अभी तेरा नंबर, कलबों को चाट के मालिक नहीं बनते और दो पैसे कमाने से खालिक नहीं बनते, दो किताब पढ़ के ज्ञान छोड़ रहे चूतिए, खाली नाम रखने से गालिब नहीं बनते। मैं रेडी टू वॉर उठाली कलम तू आजा मैदान में, मैं लाया कलम दिखा कितना दम बचा तेरी गांड में, अब्बा से पूछ एडी ये कौन बोलेगा शैतान है, मैं खड़ा मैदान में कोई दिख रहा नहीं मैदान में, मैं रेडी टू वॉर उठाली कलम तू आजा मैदान में, मैं लाया कलम दिखा कितना दम बचा तेरी गांड में, अब्बा से पूछ एडी ये कौन बोलेगा शैतान है, मैं खड़ा मैदान में कोई दिख रहा नहीं मैदान में, चमत्कार मैंने गाने से किया है तेरा बलात्कार, मेरा हुड बॉलीवुड करे गलत कार, तेरी गांड में जुदा मैं करो पलटवार, मेरा बिग गैल गालिब के हलक पार, डिसलाइक डी जाके ढूंढो सलाहकार, जिसे कॉपी कहते लोग मेरा वर्सेटाइल, ढूंढो दुनिया में मेरे जैसा कलाकार, माँ की दुआ तभी मालिक ने भोंक दिया, जो भी करे एड़े चालीस सीधा ठोंक दिया, तेरा रिश्ता बनताई से इतना है सुनने एक चूतिए ने चूतिए को गोद लिया, मैंने जिंदा शैतानों को मौत दिया, मैंने गालिब की गड़िया में रोड दिया, एडी डिसलाइक तो सब में फैली खबर, एक बंदे ने लेबल को छोड़ दिया, मैं रेडी टू वॉर उठाली कलम तू आजा मैदान में, मैं लाया कलम दिखा कितना दम बचा तेरी गांड में, अब्बा से पूछ एडी ये कौन बोलेगा शैतान है, मैं खड़ा मैदान में कोई दिख रहा नहीं मैदान में, मैं रेडी टू वॉर उठाली कलम तू आजा मैदान में, मैं लाया कलम दिखा कितना दम बचा तेरी गांड में, अब्बा से पूछ एडी ये कौन बोलेगा शैतान है, मैं खड़ा मैदान में कोई दिख रहा नहीं मैदान में, इनकी फटने वाली आया एडी रॉक, एक शैतान बोलो स्वा बोलो स्वा बोलो स्वा स्वा। एडी रॉक, मैंने पहले बोला था कि एडी रॉक का ट्रैक आया ही था,
जो कि हेलक पे था, और वो ट्रैक आउटस्टैंडिंग जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर उस यानी कि उस पूरे सॉन्ग में जो है डिस किया था हेलक को, तो जिस तरह से उनको डिस किया उसी तरह से यहाँ पर एडी रॉक लेकर आए हैं यंग गालिब के लिए ये ट्रैक जो कि डिस ट्रैक है। और इस पूरे के पूरे सॉन्ग में जिस तरह से उन्होंने अपनी राइटिंग को यहाँ पर जिस तरह से वो लेकर आए हैं सच में आउटस्टैंडिंग। और साथ ही साथ जिस तरह से यहाँ पर इस सॉन्ग में उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं यहाँ पर आया हूँ, यानी कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर आया हूँ, वो किसी चाट के नहीं आया हूँ किसी की, मैं अपने बलबूते पे अपनी मेहनत से आया हूँ। तो यहाँ पर ये बात हो सकती है कि क्योंकि ये बात यहाँ पर यंग गालिब को इस तरह से यहाँ पर ये रिप्लाई दिया है कि वो लेबल के साथ आए हैं और मैं यहाँ अपनी मेहनत के साथ आया हूँ, क्योंकि यंग गालिब जो है बंटाई रिकॉर्ड के साथ साइन हुए हैं, तो उन्हीं के बिहाफ पर जो है यहाँ तक उनको लोगों ने सुना है। और जिस तरह से यहाँ पर एडी रॉक का यही मतलब है कि मैं यहाँ तक जो आया हूँ मैं अपनी मेहनत से आया हूँ, मैं किसी की चाट के नहीं आया हूँ, तो जिस तरह से यहाँ पर एडी रॉक ने एक तरह से ये इस बात का जो रिप्लाई दिया है तो वो काफ़ी सही लगा। और जैसे कि यहाँ पर पूरे के पूरे सॉन्ग में उनकी राइटिंग देख लो, उनका रैप देख लो, और जिस तरह से वो लेकर आते हैं अपने हर एक सॉन्ग में, एक जिस लास्ट में जिस तरह से वो न्यू स्वाहा जो लेकर आए वो चीज़ काफ़ी सही लगी। और उनके सॉन्ग में यही चीज़ें जो है उनको एक अलग बनाती है, एक डिफरेंट बनाती है, तो मुझे ये चीज़ जो थी एडी रॉक की वो काफ़ी अच्छी लगी। और साथ ही साथ यहाँ पर एडी रॉक ने एक बात भी बोली थी, वो नाम रखने से कोई गालिब नहीं बनता, जैसे कि आपको सबको पता ही है कि यंग गालिब उनका नाम है, तो उन्होंने यही बोला यहाँ पर एडी रॉक ने कि नाम रखने से कोई गालिब नहीं बन जाता। और साथ ही साथ उन्होंने जिस तरह से इस पूरे सॉन्ग में पूरी बंटाई फैमिली को खचेड़ा है, पूरी बंटाई फैमिली को सुनाया है, तो उन्होंने ये भी बोला है साथ में कि उन्होंने हलक को भी सुनाया था, उनका भी डिस्ट्रैक्ट निकाला था, और यही चीज़ फिर द्वारा उन्होंने ये बोला कि जैसे हलक को सुनाया वैसे ही वो यंग गालिब का भी डिस्ट्रैक्ट लेकर आया। और ये जो इस पूरे सॉन्ग में यहाँ पर एडी रॉक एक ऐसे हैं जिन्होंने बोल सकते हैं, उन्होंने ये बात भी बोली थी अपने इस ट्रैक में कि कोई बोलेगा भी ना तो यही बोलेगा कि एक आर्टिस्ट ने यानी कि एक लड़के ने बंटाई के जो भी जैसे कि यंग गालिब को यानी कि आर्टिस्ट को जो कि रैपर हैं उनको जो है उनका ऊपर डिस निकाला है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि उनका लेबल जो है एक तरह से देखा जाए तो बंटाई के साथ है, तो उनका लेबल जो है ऊपर ही है, और यहाँ पर एडी रॉक अपने बलबूते पे हैं, तो फिर भी होता है ना, आप सब समझदार हो, आप सबको पता ही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो वही चीज़ यहाँ पर जिस तरह से एडी रॉक लेकर आया है तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी लगी। और साथ ही साथ जो एडी रॉक यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि मैं अपने बलबूते से आया हूँ और आप ये सब लोग जो है एक अलग ही जिस तरह से यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट निकाला है एडी रॉक ने, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जैसे कि एक लाइन और थी कि यहाँ पर एडी रॉक ने ये बोला था कि तेरा रिश्ता बंटाई से बस इतना ही है जैसे कि एक चूते ने चूतिया को गोद लिया, तो इस तरह के लिरिक्स जो कि फनी भी थे और एक तरह से बोला जाए ना कि उनका एक अलग है, जैसे कि बंटाई रिकॉर्ड में वो आए हैं तो उनको उसी वजह से लोग सुनते हैं कि हाँ बंटाई रिकॉर्ड में है तो कोई बात होगी इनमें, पर ये एडी रॉक हैं, एडी रॉक को ये नॉर्मल आर्टिस्ट हैं, इनको सब लोग नहीं जानते, बट जिस तरह से इन लोगों को सब जैसे कि बोलने का मतलब ये है कि सब लोग इनको जानने लग जाएं, सब लोग इनका सॉन्ग सुनने लग जाएं, तो वो भी समझेंगे कि हाँ ये भी कुछ अलग है, कुछ यूनिक है, कि कुछ अलग कर सकते हैं अपने सॉन्ग में। तो मुझे एडी रॉक इसलिए अच्छे लगते हैं और वो अच्छा गाते भी हैं, और मुझे ऐसा लगता है ये जिस तरह से इस तरह अगर ऐसे ही ट्रैक निकालते रहे तो आगे ज़रूर जा पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से ये डिफरेंट तरह के यहाँ पर ट्रैक निकालते हैं और जिस तरह से यहाँ पर ये डिस ट्रैक निकाला है उन्होंने, जैसे हेलक पे निकाला था और यंग गाली पे भी निकाला है, तो मुझे ऐसा लगता है ये एक टक्कर है, यानी कि
स्ट्रेट बोलते हैं ना, सीधी टक्कर इन्होंने यहाँ पर दिया है। पर मुझे ये लगता है कि अगर यंग गालिब अगर इनको रिप्लाई दे दें तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, बट मुझे ऐसा लगता है वो नहीं देंगे, क्योंकि उनका उनको लगता है कि उनका एक अलग ही लेबल है। बट ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि इन्होंने हिम्मत दिखाई कि चाहे कैसे भी सॉन्ग निकाला, डिस निकाला या कैसे भी, पर उन्होंने निकाला और यहाँ पर एक तरह से डिस्ट्रैक्ट जैसे हलक पे निकाला था वैसे ही यंग गालिब पे निकाला। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी एक अलग सी लगी। और पूरे के पूरे सॉन्ग में ओवरऑल बोलूँ तो मुझे इस सॉन्ग के लिरिक्स फायर और फाड़ू लगे, यानी कि सुनने वाले के लिए फनी भी थे, तो ये चीज़ काफ़ी सही लगी और काफ़ी अलग भी लगी। जिस तरह से लास्ट के सीन में जो स्वाहा था ना, वो चीज़ काफ़ी अलग लगी, जो कि एडी रॉक के हर गाने में होती है, हर सॉन्ग में होती है। सो गाइज, मेरा तो यही रिएक्शन है, और आप बताइए आपको ये रिएक्शन मेरा कैसा लगा। जब तक आपको मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मधु फिल्मी तड़का।